اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم नहमदून सल आ रसोल करीम अमाबाद नाजरीन अल्लाह के एहसान से आज हम जुज नंबर तेरह पर पहुँचे हैं इन श्ला हर रोज़ की तरह आज भी जुज के मजामी का ख़ुलासा पेश करेंगे फिर कुछ आयतों को लेकर तफसील से गुफ्तू करेंगे इस जुज में जो पहला मजमून है उसे अगर हम टाइटल देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर एंड रैशनैलिटी हार्ट्स यानि किरदार और मजबूत दलाइल वाला इंसान हो तो वो दूसरों के दिलों को जीत सकता है इस जज़ की पहली आयत में ये कहा गया कि कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उसका नफ्स उसे बुराइयों की तरगीब नहीं देता हाँ जिस पर रब का रहम हो वो नफ्स अम्मारा की तरगीब से बच सकता है हज़रत अलैहिस्सलाम का यही किरदार था कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसने के बजाय जेल की सजा को पसंद किया उनके किरदार की बुलंदी का जब मुजाहिरा हुआ तो बादशाह ने उन्हें अपना मिनिस्टर बना लिया हम इस मौजू पर तफसील से आगे गुफ्तु करेंगे हुकूमतों का काम है कि उनकी रियाया में कोई इंसान भूखा ना रहे इसलिए हजरत अलैहिस्सलाम ने अच्छी मनसूबाबंदी की आज के हुक्मरानों के लिए हजरत यूसुफ की जिंदगी में एक बेहतरीन उसवा है उस जमाने में जब मिस्र के बादशाह बन गए थे भाइयों से मुलाकात होती है जिन्होंने उन्हें अंधे कुएं में फेंक दिया था किरदार के आला जरफी देखिए कि वह अपने भाइयों को आर नहीं दिलाते बल्कि कहते हैं कि शैतान की उकसाहट से हमारे दरमियान दूरियां हो गई थी ये बात कहने के लिए इंसान को बहुत ही आला जरफ़ होना पड़ता है क़ुरान में बार बार ये बात आई के कि अहले किताब और मुशरिकीन की तरफ से तुम्हारी दिल शिकनी होगी इस जुज़् में हज़रत अलैहिस्सलाम के बारे में हमें मालूम होता है कि उनके भाइयों ने फिज़िकली और इमोशनली हर्ट किया इमोशनल पेन से गुज़रते वक्त कुरान हमें वही नुस्खा बताता है जो यहाँ हजरत अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने बताया इनहू मत वसबिर फ़ाल अजरलमसिन हकीकत यह है कि अगर कोई तखवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता मुसलमानों को चाहिए कि सब्र और तकवा का दामन मजबूती से थामे रहें हज़रत अलैहिस्सलाम के वाक़ के अख्ताम में मुसलमानों को नबी करीम अलैहि वसल्लम के हवाले से ये तालीम दी गई कि कुल हज ही सबीली बसरतिन अन्ना व मन थबानी व सुबह अनुमशरक यानि ये मेरा रास्ता है मैं पूरे दलाइल की रोशनी में और ख़ुद मेरे साथी भी लोगों को बुलाते ही और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ इसमें जो दूसरा मजमून है वो है डोंट यू वॉन्ट टू चेंज क्या तुम अपनी हालत बदलना नहीं चाहते इस किताब को अल्लाह ताला ने नाज़िल की मगर लोग हैं कि मान कर नहीं देते उनसे कहा गया कि आसमानों को किस तरह बग़ैर सपोर्ट के बनाया चाँद और सूरज को किस तरह से गर्दिश में लगाया ज़मीन को उसने कैसे फैलाया और उसमें तरह तरह के पानी के ख़ायर पैदा किए और रवा दवा नहरें बनाई फलों के जोड़े बनाए अगर वो गौर करते तो उन्हें खुदा का पता मिलता और क़ुरान की हक्कानियत भी वाज़े होती लोगों अकल से काम लो और ग़ौर फिकर करो तुम्हारा रब बहुत माफ़ करने वाला है लेकिन याद रखो जब वो पकड़ने पर आता है तो सख्त पकड़ता है वह हर बारीक चीज़ से वाकिफ़ है औरतों के रहम में पलने वाले बच्चे तुम्हारे दिलों में उठने वाले लतीफ़ ख्याल उन सब वो जानता है याद रखो जब तक लोग बदलना नहीं चाहेंगे उस वक्त तक तुम्हारी कौम की सूरत हाल बदलने वाली नहीं है बिजली पर गौर करो जब कड़क के साथ बिजली कूदती है तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने कमज़ोर हो और तुम्हारा खुदा तुम्हें कैसे कैसे तरीक़ों से पकड़ सकता है तुम उसकी बात मानो या ना मानो सारी कायनात चाहते न चाहते हुए उसी के आगे झुकी हुई है याद रखो कि अगर तुम इंसानियत के लिए मुफीद हो तो अल्लाह ताला तुम्हें बाकी रखेगा और अगर तुम इंसानियत के लिए जहमत हो तो झाँक की तरह उड़ जाओगे और तुम्हारा नाम और निशान तक बाकी नहीं रहेगा यह भी याद रहे कि जो लोग ईमान लाएंगे उनके दिल अल्लाह ताला की याद ही से इतमान पाते हैं और जान जाओ कि अगर तुम्हें पीस ऑफ माइंड एंड कंटेनमेंट ऑफ हार्ट चाहिए तो खुदा को याद करो इसके बाद जुज का तीसरा उभरा हुआ मजमून है होप यू अंडरस्टैंड डार्कनेस यू आर इन यानी तुम जिस अंधेरे में हो शायद तुम्हें उसका एहसास हो रसूलों को दुनिया में अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि तुम्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आए नबियों के खिस्से भी इस बात को साबित करने के लिए बयान किए गए जो लोग रब का इनकार करते हैं उनके अगर अच्छे अमाल भी हों तो धूल से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं जिन लोगों ने गलत लीडरों की इतवा की वो जब जहन्नम में जाएंगे तो एक दूसरे को मलामत करेंगे इसलिए ज़रूरी है कि अपने लीडरों का इंतखा करने से पहले जान लें कि वह हमें जन्नत की तरफ ले जाएंगे या जहन्नम के किसी खट में ले जाके उतारेंगे इस जज्स का आखिरी उभरा हुआ मजमून है कि तुम एक मुफीद इंसान बनो बी ए बेनिफिशियल पर्सन मोमिन एक फलदार दरख्त के मानंद होता है जो सब के लिए मुफीद होता है और इब्राहीम ने भी यही दुआ की कि वो और उनकी औलाद इंसानियत के लिए मुफीद हो जाएं और वो ऐसे अजीम कारनामे अंजाम दे गए कि कयामत तक लोग उनको याद करते रहेंगे लोगों तुम ये ना समझो कि अल्लाह ताला ालिमों के करतूत से नावाफ है वो जब पकड़ेगा तो उसकी पकड़ सख्त तरीन होगी लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ चालें चलते हैं मगर अल्लाह भी अपनी एक चाल चलता है ये वो मजामीन थे जो इस सूरत में आए हैं नाजरीन अब हम टॉपिक ऑफ द डे पर बात करेंगे ये एक फैशन है आज के ज़माने में ये कहना है कि रिलीजन इज़ ए प्राइवेट अफेयर तो हमारा सवाल ये है कि इज़ रिलीजन ये प्राइवेट अफेयर तो आइए देखते हैं कि कुरान हमें क्या बताता है कि मजहब की क्या हैसियत है वही इनफरादी मामला है या इंसानों के समाजी और माशी और सियासी ज़िंदगी से भी कोई ताल्लुक़ है सूरा नंबर बारह आयत नंबर 53 54 और 55 को देखते हैं फिर उसके बाद इंशाल्लाह उसमें से इस मजमून पर हम बात करेंगे قران كهده وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك أُتُنِي به أَسْتَقْلِسُ لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على قزائن الارض اني حفيظ عليم मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो बेशक मेरा रब गफूर और रहीम है बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ जब यूसुफ़ ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा अब आप हमारे यहाँ हद्र मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर भरपूर भरोसा है यूसुफ ने कहा मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कीजिए मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ दुनिया की अक्सरियत कहती है कि दीन और सियासत दो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए वरना दोनों का संगम समाज को गैर मुस्तहकम करेगा जब वो कहते हैं तो उनके जहन में दीन का एक जामित तस्वुर होता है या दीन का एक नैरो कंसेप्ट होता है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए रहनुमाई यह है कि यह तस्वुर गलत है इस जिस के आगाज में अल्लाह ताला ने बताया कि हजरत यूसुफ यूसुफ् जो एक नबी थे उन्होंने मिस्र की बादशाहत की आज हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे पहले हम हजरत यूसुफ यूसुफ् का किस्सा इख्तिस से समझ लेते हैं जरत यूसुफ् का नाम कुरान में 36 मरतबा आया है जिनमें से 24 मरतबा सिर्फ इस सूरत में आया है और बकया बारह मरतबा दीगर सूरतों में आया है और हजरत को यह फख्र भी हासिल है कि अपने परदादा हजरत इब्राहीम की तरह उनके नाम की भी कुरान की एक सूरत नाजिल हुई हजरत याकूब को उनकी पहली बीवी से दस बच्चे थे और दूसरी बीवी से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन यामीन थे बाइबल के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश 1927 बीसी में हुई जब आप 12-13 बरस की उम्र के थे तो आपने ख़्वाब देखा जिसमें आपने देखा कि सूरज और चाँद और ग्यारह सीरें हैं जो उनको सजदा कर रहे हैं ये ख्वाब उन्होंने अपने वालिद माजिद को बताया याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना इसलिए कि हज़रत यूसुफ के भाइयों को हज़रत यूसुफ से हसद था एक दिन भाइयों ने मनसूबा बनाया और हजरत याकूब को बसरार मनवा कर हज़रत यूसुफ को जंगल ले गए और वहाँ उन्हें एक कुएँ में फेंक दिया और रोते पीटते शाम घर को वो सब लौटे और ये कमीज में नकली खून लगाकर आए और कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया हजरत याकूब को उनकी बातों पर इत्मीनान नहीं था वो बहुत गमजदा हुए एक काफिला उधर से जा रहा था कुएं में पानी के लिए डोल डाला मगर उसमें से खूबसूरत बच्चा निकल कर आया उन्होंने सस्ते दामों में ले जाकर उसे मिस्र में एक मिनिस्टर के घर में बेच दिया मिनिस्टर की बीवी उन पर डोरे डालने लगी जब आप सने बलूक को पहुँचे आपने बुरहान रब को देखा यानी अपने ज़मीर की आवाज़ को सुना तो गलत इकदाम से वो भागने लगे मिसर की और औरतों में भी उनके हुस्न का चर्चा हुआ उनके सामने भी आपके हुस्न का मुजाहरा हुआ हर एक ने आपको अपनी तरफ रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश की मगर आपने अपनी पाक दामनी को महफूज रखा इन आला तबके की खुतिन की ख्वाहिशात पूरी ना होने की सजा उन्होंने ये दी कि हज़रत यूसुफ् को अपने ना करदा जुर्म की पादाश में जेल भेज दिया गया वहाँ आपने दावत ही काम किया आप ख्वाबों की ताबीर बयान करते थे शाही महल के दो कैदी वहाँ आए हुए थे दोनों कैदियों ने अपना ख्वाब सुनाया आपने उनकी ताबीर बयान की जिनमें से एक को सूली की सजा हो गई और दूसरा रिहा पाकर बादशाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो गया एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा कि सात दुबली गायें हैं जो सात मोटी गायें को खाए जा रही हैं सात खुश्क बालियां हैं जो सात सर सब्ज बालियों को खा रही हैं बादशाह के हुक्म पर दरबारी जेल गया और हज़रत यूसुफ्लाम से उसने ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की हज़रत यूसुफ ने फ़ौरन बता दिया कि तुम सात साल बराबर काश्त करोगे उस दौरान जो फ़सल तैयार होगी उनमें से जितनी ज़रूरत है वो खाने के लिए इस्तेमाल करें बाकी आने वाले कहत के ज़माने के लिए महफूज करें महफूज करने का तरीक़ा भी आपने बता दिया कि दानों को बालियों के साथ छोड़ दें फिर सात साल खुशक साली के आएंगे उस दौरान शादाबी के सात सालों में जो अनाज बचा कर रखा गया उसका इस्तेमाल किया जाएगा फिर पंद्रहवें साल खूब बारिश होगी आपके अमानत दारी दयानत दारी अख्लाक किरदार की बुलंदी से बादशाह पहले से मुतारफ था उसने दरबारी से जब ख्वाब की ताबीर जो लेकर आया तो कहा कि जाओ और यूसुफ को मेरे पास ले आओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रॉयल पार्डन के जरिए बाहर नहीं आना चाहते थे वो चाहते थे कि उनका बेगुनाह होना साबित हो जाए उन औरतों को तलब किया गया जिन्होंने इल्ज़ाम लगाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेजा था उन्होंने भरे मजमे में हजरत अलैहिस्सलाम के बारे में गवाही दी कि हाशा लिल्ला हमने उसमें बदी का ज़रा बराबर शायबा नहीं देखा फिर अजीज मिस्र की बीवी ने वो मशहूर जुमला कहा जो इस जुज़् की पहली आयत है बाद मुफसरीन उसे हजरत अलैहिस्सलाम का जुमला मानते हैं जो वमा नफसी यानि मैं अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूं। या मैं अपने नफ्स की नहीं कर रही हूं नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है बादशाह ने कहा कि उसे मेरे पास ले आओ मैं उसे अपना ख़ास बंदा बना लेना चाहता हूँ मैं उसे एक बड़ी ज़िम्मेदारी और एक बड़ा मनसब देना चाहता हूँ उस मौके पर आपने फ़रमाया इजाल अला खजा इन अर अलीम आपकी शख्सियत के अवसाफ़ अमानतवत बर्दाश्त नफ्स पर कंट्रोल जहानत फरासत ख्वाबों की ताबीर बयान करना और आपकी पाक दामनी के चर्चे शहर में मशहूर थे आपने जब कहा कि मैं हफीज़ हूं और अलीम हूं, तो ये उनका सिर्फ़ एक दावा नहीं था बल्कि उनके किरदार का वो इजहार था जब हज़रत अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुल्क एक शदीद क्राइसिस की तरफ जा रहा है तो आपने आगे बढ़कर कहा कि मैं मुल्क को माशी बहरान इकोनॉमिक क्राइसिस और आने वाले डिज़ास्टर से बचा सकता हूँ और मैं इसकी तरकीब भी जानता हूँ उस वक्त हजरत यूसुफ़ सलाम एक नबी थे और एक नबी का आगे बढ़कर यह ये मुतालिबा करना कि मैं मुल्क मामलात को बहरान से बचा सकता हूँ यह इस बात की दलील है कि एक नबी के नज़दीक दीन और सियासत में कोई जुदाई नहीं थी अगर ऐसा होता तो वो कभी हुकूमत का मुतालिबा नहीं करते बल्कि आयन दीन की ये तालीम है कि जब भी समाज और माशरे में मसाइल खड़े हों तो दीनदार लोगों का फरीजा बनता है कि वह दीन की रोशनी में मुल्क के और समाज के सुलगते मसाइल का हल पेश करें अगर मजहब एक प्राइवेट मामला होता जैसा कि आजकल के सियासतदान कहते हैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी एक दीनदार की हैसियत से किसी कोने में बैठते और लोगों की असलाह के काम में लगे रहते और दुनिया के मसाइल से बेपरवाह रहते मगर आपका उसवा हमें बताता है और इस्लाम का यही मौक़ है कि मजहब एक प्राइवेट मामला नहीं है उसका रास्त ताल्लुक़ समाज और माशरे से है और सियासी और माशी मसाइल का हल पेश करना इस्लाम का काम है नबी और रसूलों को जब जब भी मौका मिला आगे बढ़कर दुनिया की में कार को उन्होंने संभाला और अमलन एक वेलफेयर स्टेट क़ायम करके दुनिया को बताया कि खुदा की रहनुमाई में दुनियावी अमूर भी जब तय किए जाते हैं तो वो से बरकत होते हैं और दुनिया अमन का गहवारा बन जाती है गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्टेट के सिलसिले में कुरान की रोशनी में हम आगे किसी पारे में तफसील से गुफ्तु करेंगे और बताएंगे कि इस्लाम किस तरह से एक वेलफेयर स्टेट का तस्वर देता है बहरहाल आप ममलिकत मिस्र के बादशाह बन गए और आपने एक शानदार हुकूमत कायम की कैद के जमाने से कबल आपने बड़े बड़े साइलोस बनाए यानी गोदाम बनाए जहां अनाज को महफूज किया जा सकता हो राशन का सिस्टम आपने नाफ़ किया मुल्क को खुशक से निकाला और आवाम को भूखे मरने से बचाया नाजरीन बीच में एक बात आपको बताते चलूँ हजरत अलैहिस्सलाम की नस्ल से चलने वाली बनी इसराइल आज फलस्तीनियों को भूखे मार रही है और भूख को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है जबकि उनके जदमजद ने उस जमाने में लोगों को भूखमरी से बचाया उसी ज़माने में उनके भाई लोग मिस्र में कई बार आए हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती है आखिरकार हजरत अलैहिस्सलाम का पूरा ख़ानदान मिस्र चला आता है हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने उनके ग्यारह भाई माँ और बाप ताज़िम बजा लाते हैं ये उनकी ख्वाब की ताबीर है जो सूरह यूसुफ़ की शुरुआत में बयान हुआ है खवातून हजरात अब हम थोड़ी सी गुफ्तु करेंगे कि क्या मजहब एक प्राइवेट मामला है इस सिलसिले में दो अहम जुमले लोग बगैर सोचे समझे कहते रहते हैं एक है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट और दूसरा जुमला वो कहते हैं सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स बदकिस्मती से मुसलमानों की भी एक बड़ी अक्सरियत समझती है कि मजहब और दीन दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए उनका ये ख्याल गैर कुरानी है गैर इस्लामी है और रसुल्ला की सीरत से नाबाकफियत की बिना पर है जब मजहब और सियासत दो खानों में तकसीम हो जाए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था जलाल पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी चर्च की मजहब से जुदाई का नारा जिस जमाने में मगरब में उठा उसके तीन वजुह हैं। पहली वजह उस वक्त चर्च के मजालिम आम थे उस वक्त चर्च का रवैया साइंस मुखालिफ था सत्रहवीं सदी में रोशन ख्याली के नज़रिए को ईजाद करने वाले जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन ने यह नारा दिया उस वक्त चर्च का अकीदा प्लूरल सोसाइटी के पसम मंजर में नहीं था वो प्योरली क्रिश्चियन सोसाइटी में ये नारा उन्होंने दिया जब उन्होंने देखा कि चर्च का रवैया साइंस के मुतालिक्यूशन का है तो उन्होंने दोनों को अलग कर दिया मजहब और सियासत की जुदाई के लिए जो नारा उन्होंने इन्वेंट किया उसके लिए पहली वजह यह है दूसरी वजह दुनिया के अक्सर मजहब सिर्फ तबुदी अमूर यानी इबादत के कुछ रस्म रिवाज और अखलाकियात की तालीम देते हैं दुनिया के कैसे अमूर चलाए जाए, उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा रहनुमाई उनकी किताबों में नहीं मिलती मगर इस्लाम का नुतः नज़र इससे मुख्तलिफ है कुरान में ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों के सिलसिले में वाज रहनुमाई मिलती है मजहब और सियासत की जुदाई के सिलसिले में ये दूसरी वजह है जो उस ज़माने में उन लोगों ने वो स्लोगन दिया तीसरी वजह गुज्त साठ सालों में फ़लसफे की सतह पर मगरब की ये कोशिश रही कि मजहब को अवामी दायरे से और समाजी अमूर से बेदखल कर दिया जाए और मजहब और रियासत को दो खानों में तकसीम करके एक दूसरे से आज़ाद कर दिया जाए वो मजहब किस काम का जो सियासी उमू में रहनुमाइना ना करे और उस सियासत को जालिमाना सियासत बनने से कौन बचा सकता है जो मजहब से आज़ाद हो आज की दुनिया में बेशुमार मसाइल हैं जिसका हल न सियासतदानों के पास है न एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और ना ही जुडिशरी के पास है उन्होंने कभी इस बात की जहमत गवारा ही नहीं की कि मजहब की तालिमात इस सिलसिले में क्या हैं बिलखसूस इस्लाम इन मसाइल के सिलसिले में क्या रहनुमाई करता है जान सकें वो जो कुछ भी कवानी बनाते हैं कवानी नाफिस करते हैं फैसले सुनाते हैं वह सब इंसानी अकल के तराशे हुए होते हैं और इंसानी अकल की महदूदियत कौन नहीं जानता आवाम को मजहबी रहनुमाओं ने भी कभी भी समाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाए उसकी रहनुमाई नहीं करते उनकी सारी गुफ्तगु जाती ज़िंदगी में तकवा तहारत तक महदूद रहती है और आज जो कवानीन उसूल और नज़रियात पाए जाते हैं उनमें से अक्सर मजहब बेजार हैं उनका कोई ताल्लुक मज़हब से नहीं है तो जो लोग मजहब का राग अलापते हैं मगर सही मानों में वो मजहबी होते नहीं ना उन्हें मज़हब का शूर होता है वो तो वोट बटोरने के लिए एक हथियार है जो उनके हाथ आ गया और बदकिस्मती से उन्हें उससे फिलवक़्त फ़ायदा हो रहा है मगर हकीक़त में मजहब रसुवा हो रहा है जब मज़हब दूसरों के हकूक़ छीने और जुल्म ऐतम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें मजहब का कसूर नहीं है बल्कि सियासतदानों का कसूर है बिल्कुल यही वजह थी जब लॉक ने अपने खत में लिखा था कि इट अपियर्स नॉट दैट गॉड हैज एवर गिवन एनी सच अथॉरिटी टू वन मैन ओवर अनदर एस टू कंपेल एनी वन टू हिज रिलीजन यानी उसका यह कहना है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि खुदा ने कभी भी एक शख्स को यह अथॉरिटी नहीं दी यह आजादी नहीं दी ये इख्तियार नहीं दिया कि वो एक दूसरे फर्द को अपने मजहब के मुताबिक जबरन लाजिमन अमल करने पर मजबूर करें इस्लाम ने इस फितने का दरवाज़ा पहले ही बंद कर दिया जब उसने ऐलान किया था ला हाफि दीन दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है दीन के मामले में कोई जबर नहीं है दीन के मामले में कोई इकराह नहीं है दीन किसी पर जबरन थोपा नहीं जाएगा दीन समझकर कर इख्तियार करने की चीज़ है ये बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें कि इस्लाम में जिहाद का तस्वुर शिरक और कुफ्र मिटाने के लिए नहीं है बल्कि जुल्म और फितने के ख़ात्मे के लिए है शिरक और कुफ्र कैसे दुनिया से जाएगा उसका तरीक़ा ये है कि उसकी माकूलियत को वाजी किया जाए और सिर्फ उसका एक ही रास्ता है वो है गुफ्तु और दावत कम्युनिकेशन के अलावा कोई और तरीका हमारे पास नहीं है कोई और टूल नहीं है जिससे इंसानों का जहन बदला जा सकता हो इसलिए अल्लाह तबरक तो तआला ने सूरह बकरा में ला इकराहा द् वाली आयत के फौरन हजरत इब्राहिम इब्राहीम का वो मुखालिमा पेश किया जो नमरूद के दरबार में हुआ था नमरूद भी खुदाई का दावेदार था आपने गुफ्तगू के ज़रिए उसके दावे की नामाकुलियत को साबित किया दूसरे खिस्से में बताया गया कि बनी इसराइल अपने जवाल की निचली तरीन सतह पर पहुंच चुके थे हजरत उजैर अल्लाम ने अपनी दावती कोशिशों के नतीजे में उस मुर्दा कौम के तन में एक नई रूह फूंक दी उसमें तीसरा वाकया बयान किया गया है जब हजरत इब्राहीम ने एक बे आबोगयाह वादी में काबुतल्ला की तामीर की और हज के लिए अजान दी तो खुद उन्हें ख्याल हुआ कि लोग कैसे इस दूर दराज इलाके में हज के लिए आएंगे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि उसका भी यही तरीका है कि लोगों के दरमियान आबादियों में जाओ उनके दरमियान रह कर बस कर उन्हें मानूस करो अक्ल की दलील से उन्हें खुदा की अजमत का कायल करो फिर वह हज के लिए आएंगे आज हमारे मुल्क में भी इस मौजू पर बहस छेड़ने की ज़रूरत है कि मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं उनमें हकीकी मजहब का क्या किरदार हो सकता है जिसमें नफरत ना हो जिसमें किसी के साथ इम्तियाजी सलूक न हो बल्कि इल्हामी तालीमात की रोशनी में मुल्क को दरपेश मसाइल का हल कैसे पेश किया जाए आपको याद होगा कि कल की गुफ्तगू में मैंने हज़रत मौलाना अली मिया की एक किताब का हवाला दिया था जिसका नाम देखिए कि एक बेहतर हिंदुस्तानी समाज की तश्कील में इस्लाम क्या हिस्सा ले सकता है इसका नाम और इसका टाइटल खुद बताता है कि हिंदुस्तानी समाज के मसाइल के हल में इस्लाम एक अहम कलीदी रोल अदा कर सकता है इस सूरत हाल में तब्दीली उस वक्त मुमकिन है जबकि हमारे मंतखब नुमाइंदे वो हो जो सही मानों में मजहबी हों और जो मज़हब जानते हों वो दुनिया में रहनुमाई करने की इस्तेदाद रखते हों इस वक्त इन दोनों स्ट्रीम के दरमियान एक बड़ी खलीज पाई जाती है एक बड़ा गैप पाया जाता है दुनियावी उमूर चलाने वाले मज़हब से नावाकिफ और मजहबी क़ियादत करने वाले अमूर दुनिया से ना बलद मजहबी उमूर की जिम्मेदारी को बिलखसूस मुसलमानों के दीनी रहनुमाओं को मालूम होना चाहिए कि हजरत यूसुफ का उस्वा उनके सामने मौजूद है कि किस तरह से मुल्क की खैर में आगे बढ़कर ज़िम्मेदारियों को कबूल करना और मुल्क के मसाइल को हल करना एक नबबी काम है मगरिब में इस वक्त जो मसाइल सर उठा रहे हैं बिलखसूस जंग जिदाल नस्ल परस्ती जिनसी बेरा खानदान का बिखराव मनश्यात यानी ड्रग्स का कसरत से इस्तेमाल दौलत का कुछ हाथों में मुर्तकिज हो जाना दुनिया की एक बड़ी आबादी का गुरबत मुबतला होना बल्कि एक नई असला आजकल इस्तेमाल होती है पावरटाइजेशन यानी दुनिया के बड़े माली इदारे जो कौमों को ग़रीब बनाते हैं ये सब दीन बेजारी के कड़वे कसीले फल हैं जो इंसानी समाज इस वक्त खाने पर मजबूर है इसका हल यही है कि मजहब को एक प्राइवेट मामला तस्वुर ना किया जाए बल्कि उसकी रहनुमाई में मामलात दुनिया तय किए जाएँ अल्लाह ताला हमें इसकी तोफ़ी क़ा फरमाएँ आमीन व आखिर अनहमद रबीआलम